जज्जर के एक गांव में एक प्रवासी मजदूर ने अपनी पत्नी की कस्सी मारकर हत्या कर दी। मृतक महिला की पहचान 40 साल की मालती पत्नी हजारीलाल निवासी प्रहलाद खेड़ा यूपी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार जज्जर के गांव शिनाना गांव के जीवन भट्टा पर हजारीलाल अपनी पत्नी व चार बच्चों के साथ मजदूरी करने आया था। यहाँ पिछले कई दिनों से परिवार काम कर रहा था। बीती सुबह अघहजारी व उसकी पत्नी मालती के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान हजारी ने आवेश में आकर अपनी पत्नी पर वहीं पड़ी एक कसी से वार कर दिया। इस वार से मालती निढाल होकर जमीन पर गिर गई और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। बाद में मालती को झज्जर के नागरिक अस्पताल ले आया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस भी अस्पताल पहुंची और मामले की छानबीन की। बाद में पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। उधर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी घटना के बाद से ही फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं बता है जीवन भट्टा कंपनी, तो हमारे को इतला मिली थी कि वहाँ पे वो व्यक्ति ने अपनी वाइफ को से अपना कस्सी से मौत के घाट उतार दिया। तो डेड बॉडी पहले ही उन्होंने यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल पर उतार दी थी, तो हम उनके घर वालों के ध्यान रखकर कार्रवाई कर रहे हैं। किस पर्पज़ पर मारा है सर? ये दोनों में अभी का कोई घरेलू झगड़ा हुआ था। रात को 2:30 बजे के करीबन थी ये वारदात, परंतु हमारे को सूचना इन्होंने 6 बजे के करीबन दी। गिरफ्तारी की प्रयास कर रहे हैं। दो लोग हैं सर? दो नहीं, नहीं वाले। एक। अच्छा, कहाँ के रहने वाले सर ये? अपना यूपी हरदोई के रहने वाले। यहाँ किसी कहीं काम करते हैं? हाँ, भट्टे पे, जीवन भट्टा करते हैं।